हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऋषिराज व्लॉग्स। और हमारा ऑटो आ चुका है, जल्दी जल्दी में है हम लोग, और अभी हम लोग निकल रहे हैं छठ का जितना भी सामान है फल फ्रूट लेने जा रहे हैं, तो आ जाओ आप लोग भी। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और ये है जो मेरे वीडियो में नहीं आना चाहती है, लेकिन मैं इसको ले ले रही हूँ आज। और ये मेरा भाई आ जाता है, अच्छा लड़का है, और मैं तो अच्छी हाइये हूँ, है ना। और देखो मार्केट हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो अब हम लोग फाइनली मुंडा मार्केट पहुंच चुके हैं। यही है मुंडा मार्केट, तो मैं आपको मुंडा मार्केट, ये है मुंडा मार्केट, मुंडा मार्केट है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऋषिराज व्लॉग्स, और आप सभी का स्वागत है। आज हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं सिकंदराबाद के मार्केट, मुंडा मार्केट में, जहाँ कि आपको हर एक सामान छठ पूजा के लिए मिल जाता है। हालांकि ये मार्केट शॉपिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, लोकल मार्केटिंग के लिए, और हम लोग छठ पूजा का फेस्टिवल है जिसके लिए हम लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको छठ पूजा के लिए जितनी भी सामग्री है सब कुछ मिल जाएगा, सूप सुपती दौरा और जितना भी फल फ्रूट है सब मिल जाएगा। यहाँ पर भैया सामान ले रहे हैं, और जहाँ तक आप मार्केट देखेंगे वहाँ तक आपको रौनक ही रौनक लगेगा। हालांकि रश बहुत है क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, तो रश तो होना बनता है। और यहाँ पे जितने भी ये जो बांस के दौरा रहते हैं, सूप सूपती रहते हैं, उसे हर साल चेंज करना होता है, और उसी में हम लोग फल फ्रूट चढ़ा के फिर सूरज देवता को अर्घ देते हैं। और मार्केट जाने के बाद में छठ पूजा का जितना भी शॉपिंग करना हो उसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। दोस्तों मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखा सकती हूँ, साउंड तो बिल्कुल भी नहीं सुना सकती। हाँ बीच बीच में मैं आपको जो मैंने रिकॉर्डिंग्स किए हैं फ्रूट्स लेते समय वो सब मैं आपको सुना सकती हूँ। बहुत ज़्यादा रश था, और क्योंकि छठ पूजा उसी दिन होता है, और मार्केट में, इस मार्केट में तो खासकर आपको सारे ही, ये मुंडा मार्केट की अंदर वाली गली है जहाँ पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे भी मतलब नॉर्मल डेज में भी बहुत अवेलेबल होता है, लेकिन छठ पूजा के लिए जो स्पेशल फ्रूट्स होते हैं जो हम चढ़ाते हैं वो भी आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे अभी हम छठ के लिए प्रसाद ले रहे हैं, प्रीति मूली, हल्दी, अदरक, यस, और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल ये वाला नारियल ले लिया, निकलेगा ही नहीं खाने के लिए, बाकी सामान सब ले रहे हैं, एक से पांच, हाँ ठीक है चलेगा, दे दे। और बाकी और भी बहुत सारी चीजें लेना है, तो धीरे धीरे हम सारी चीजें लेते जाएंगे। ले बेर भैया, और एक बेर ले, सुबेरे के लिए फ्रेश करेंगे ना, सुबेरे के लिए दो को ले ले, तो ये भी दो को ले ना, हाँ ये भी दो को, सिंगाड़ा भी दो तो, रुक जा, चलो हो गया। ये लो, आ जा, आ जा, चलो गाइस, तीनों अलग अलग डिफरेंस है, छिटका बड़ा से ये अच्छा है, कोई भी नहीं। दोस्तों हम तीनों भाई बहन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नींबू, ऑरेंज और संतरा, मौसमी, तीनों एक अलग अलग टाइप के फ्रूट है। हालांकि वो एक सेम ही फ्रूट है, ऑरेंज के ही टाइप का है, इसी में ये आ जाता है, बड़ा वाला नींबू हम लोग बोलते हैं। इसमें ऑरेंज कलर के इसका पल्प रहता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, और ये छठ पूजा में स्पेशली हम लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि मम्मी चार सूप सूपती लेती है, तो इसलिए हम लोग चार मौसमी वाला ये बड़ा वाला ले रहे हैं। और यहाँ पे ही सबसे कम में मिला, बाकी हर जगह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था मार्केट में। अभी चलना है, बहुत सब सामान पूरा मिलता है, केताड़ी कैसे दे रहे, पर्ची दिखाओ तुम,
बैग में डाल। धीरे धीरे हम सारे ही फ्रूट्स को अपने लिस्ट के अनुसार खरीद रहे थे और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा शुगर कैन का मिला, जहाँ पे भैया लोग बहुत ही अच्छा शुगर कैन रखे हुए थे। उन लोग साइड में टेस्ट भी करा रहे थे, पर हम लोग का जूठा नहीं होना चाहिए छठ पूजा के लिए, तो इसलिए हम लोग ने एक जोड़ा लिया जिसमें दो आ जाते हैं गन्ने, और फिर इनका जो है छोटा छोटा पीस करवा के, क्योंकि हम लोग छठ में जो सूप सुपती में चढ़ाते हैं, और बहुत लोग हैं कि इनको ऐसे बांधते भी हैं। मेरी बहन बोल रही है कि उसी समय मैंने एक दिन पहले पार्लर गई थी, और मेरी बहन बोल रही है क्या कि तेरी पार्लर वाली दीदी ने कुछ मूछें छोड़ दिए हैं, तो मैं मूछों को ताव देते हुए बोल रही हूँ अब कुछ कर नहीं किया नहीं जा सकता इसका, तो चलो घर में जाके देखते हैं इसका करना क्या है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे से जो गन्ना है गन्ना ले लिए, और भैया ने बहुत ही अच्छे स्टाइल से काटा था, देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे तो हालांकि बहुत ही ज़्यादा रश था मार्केट में, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और जितना जल्दी हो सका हम लोग ने ये सारे फ्रूट्स को लिए और फिर आगे की ओर बढ़े। हम लोग को लग रहा था कि लिस्ट कंप्लीट हो जा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा था, और हम आगे बढ़े और आगे बाकी जो फ्रूट्स थे उसे भी हम लोग खरीदे। पापा आ जाते तो मजा आ जाता, एप्पल खरीदने नहीं पड़ता साला, एक पेटी एप्पल लेके आ जाते, पर शायद ही पापा लेके आ गाइस हेलो डायरेक्ट आ रहे ना। हाय पूरा पैलेट चेक करते जाओ क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, अंगूर बचा हुआ है, एप्पल नारियल अंगूर पीछे था ना बढ़िया, काला नहीं छड़ा ना, काला ना को हरा हरा हो गया, सूख सूख के ये सब हो गया है। अभी अपना बचा है क्या, नाशपाती अंगूर, नाशपाती और अंगूर बचा है बस। तो दोस्तों लिस्ट के अनुसार हमारा नाशपाती और अंगूर बचे हुए थे जो पेंडिंग था लेने के लिए, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सा स्टॉल मिला। यहाँ पे बहुत ग्रेप्स मतलब ज़्यादा पके हुए नहीं थे, तो दो दिन हम लोग रख सकते थे यहाँ पे, से हम लोग नाशपाती और ग्रेप्स को लेके फिर आगे की ओर बढ़े। अभी फिर हमको आना एक बार क्यों उधर से फुलवा लेंगे ना, वहाँ रखने चलो ना पहले, वहाँ तुम लोग कोई खड़ा रहना ना, बल्लू भैया खड़ा रहेगा, अब जल्दी से बल्लू भैया। गन्ना लकड़ी जैसा लग रहा होगा, चलो ना तुम धीरे धीरे तेज तेज चल रहे हैं हम, वहाँ गया वहाँ पर था ना वो। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने एक केला का घौर लिया था, घौर का मतलब होता है मतलब कि जैसे एक स्टैंड में है ना एक एक ब्रांच का, जैसे एक एक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसे घौर बोलते हैं। आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट कीजिए। और हम लोग ने यहाँ पे लिया क्योंकि हम मम्मी घौर भी चढ़ाती है, चीकू तो चढ़ेगा नहीं, कोई बात नहीं जितना चढ़ रहा बस, सीताफल कच्चा है ही नहीं रे पहला नंबर। अब हमको एक बार आप लोग ऐसे भी मतलब नॉर्मल डेज पे भी मुंडा मार्केट आ सकते हैं सब चीज़ का शॉपिंग करने के लिए, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलता है आपको। हाँ बस भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, संतरा हो गया अंगूर, और आज तो छठ ही पूजा है। कितना आंटी स्ट्रॉबेरी 50 की वरा स्ट्रॉबेरी, ये चढ़ेगा नहीं हम अपना ले लिए हैं इसलिए इसको अलग पकड़ना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी ये मीठा जरसा भी नहीं रहता खाली खट्टा रहता है, आया इधर पार्किंग भी मिल जाता है आपको, फ्री पार्किंग कोई टेंशन नहीं है। प्रिया को बाकी प्रसाद के साथ में एक जगह खड़ा कर दिए, बहुत ज़्यादा हो गया था सामान, और गन्ना हो गया मूली हो, खाली सीताफल रह गया है जो कि बहुत पक्कल है। तो दोस्तों जैसे हमने प्लान किया था और जो भी हमने लिस्ट में लिखा था वो सारे ही सामान हम लोग ले चुके थे, और मेन चीज छूट गया था जो था ये फ्लावर्स, और फ्लावर्स का तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हर एक फेस्टिवल में, और छठ पूजा में तो विशेषकर इसका काम होता ही है, तो ये हम लोग लेने आ गए। यहाँ पे जो फ्लावर मार्केट होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, जो स्मेल आती है हर तरफ मतलब हर एक जो भी फ्लावर्स रहते हैं हर कैटेगरी के यहाँ पे मिल जाता है, मोगरा वगैरह जो गजला होता है चमंती फूल, हर जगह बहुत ही ज्यादा रश था। और हम लोग ने प्रिया को सामान के साथ कहीं पे एक जगह रुका दिया था, और हम लोग जितना जल्दी हो सके फ्लावर्स को लेकर फिर प्रिया के पास पहुंचे, क्योंकि फिर घर भी जाना था और शाम का खरना का जो तैयारी था वो खरना का तैयारी भी करना है। आरुषि भी अपने नानी के साथ अकेले वेट कर रही है, मम्मी परवैती है फिर भी वो घर में चुपचाप बैठी नहीं होगी, जरूर कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी, इसीलिए हम लोगों ने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी कोशिश किया कि जितने भी सामान है सब कुछ लेके घर पहुंचे। भीड़ तो मत पूछो, इतना ना भीड़ है कि मत, जितना ना भीड़ है
वो तो गया फिलहाल। तो सारा सामान ले लिए हैं जो जो चाहिए था, और ये रही, और ये रहे। तो अब ऑटो करके हम लोग घर चल रहे। और हम लोग सब मिल के चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बिग डैडी नाम है उसका, वंडरला। तो बिग डैडी रउआ सब सुनता नहीं ना, तो खूब सारा सब्सक्राइब करके लाइक करता नहीं। और 3 साल के बाद हम लोग स्कॉर्पियो में घूमेंगे। हमको स्कॉर्पियो बहुत पसंद है, कह के हम बिहार के ना भैया, सबको बड़ा गाड़ी चाहिए। केला, हाँ केला का पत्ता, केले का पत्ता नहीं, नहीं हो जाएगा। अभी केला का पत्ता हम पेड़ लाए हैं, तो पौधा में पूजा करते हैं, तो उसी से फ्रेश फ्रेश एक पत्ता काट लेंगे, हो जाएगा। हाँ, एकदम बढ़िया। नो एडिशनल खर्चा, तो कहा बोला इतना खर्चा होता, लेकिन छठ पूजा है भाई, जान लगा देना। दोस्तों, जब भी हम तीनों भाई बहन साथ में मिलते हैं, पता ही नहीं चलता है कि सफ़र कैसे ख़त्म हो जाता है। मस्ती मजाक के साथ में हम घर भी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जितना भी फल फ्रूट है सब हम लोग ने यहाँ पे उतार लिया है। और भैया बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि जितना भी सामान है भैया ही सब उतारे थे, और हम लोग सेकेंड फ्लोर में थे तो सारा सामान भी भैया ही ऊपर लेके गए थे। हम लोग छोटे मोटे सामान लेकर ऊपर बढ़े थे। आरुषि अपने नानी के साथ अकेले वेट कर रही थी, तो चलिए ये सब बाद में लेके आएंगे। पीछे प्रिया निगरानी कर रही है। तो ऐसे तो बिहार में पूरा ही जगह सुबह शाम झाड़ू फोड़ू लगता रहता है, और कोई भी चप्पल उप्पल नहीं पहनता, लेकिन यहाँ पे इतना हो नहीं पाता ना। लेकिन फिर भी कोशिश करते कि जितना हो पाए सारा कुछ करें नियम से। और ये हम केला का घर लेके पहुँच गए, और ये गया पूजा रूम में जहाँ सारा सामान रखा हुआ। हम लोग घर पहुंच गए दोस्तों, सारा फल फ्रूट जो भी आ गया है। और अभी हम लोग थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करके फिर खीर बनेगा, रसिया बनता है जो, और जो खरना का प्रसाद है। चलिए मिलते हैं शाम में। दोस्तों, छठ पूजा हो और रेस्ट करना जितना भी सोचा जाए हो नहीं पाता है, क्योंकि कितना भी आप प्री प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत ही शुद्धता से ये पूजा की जाती है। और क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी में बनाया जाता है, तो टाइम का तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। यहाँ पे भैया और मम्मी दोनों मिलके रसिया का तैयारी कर रहे हैं, गुड़ को पिघलाया जा रहा है, और आगे का जितना भी कार्यक्रम है अब आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बोलिए छठी मैया की जय। और माता का आवाहन करते हुए माता को यही प्रार्थना करते हैं कि माता, जिस तरीके से हमने छठ पूजा का शुरुआत किया है, उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंत तक भी पहुंचाएं, और जितनी श्रद्धा से हम कर रहे हैं उतनी ही श्रद्धा से आप हमारे पूजा को स्वीकार करें। और यहाँ पे भैया मम्मी के साथ मदद कर रहे हैं, और जितना भी छठ में जो बनने वाला खीर है और जो लड़ुआ बोलते हैं, और हम लोग चावल के आटा का छोटा छोटा सा लड्डू बनाते हैं, वो सभी के तरफ नियोज पे अपना अपना रहता है चढ़ाने का, लेकिन ज़्यादातर सिमिलर रहता है। भैया यहाँ पे चावल धो रहे हैं ताकि रसिया बन सके, खीर बन सके, और मैं और प्रिया दूसरे काम में लगे हुए थे, थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे, लेकिन जितना भी ज़्यादा काम था भैया कर रहे थे। भैया को ये सब पहले भी किए हैं, तो भैया को आइडिया है कि कैसे छठ पूजा में करना है। मम्मी का तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन छठ माता की कृपा से, महाराज जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हो पाया। और फिर यहाँ पे हम मम्मी और भैया गुड़, जो हम खीर में रसिया बनाएंगे उसमें हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग गुड़ का यूज़ करते हैं।
तो जो गुड़ का पाक है उसको छाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ बच जाता है। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी नियोज पूजा रहा है। यहाँ पे बन गया है खीर। और जब पहली बार मम्मी ने छठ पूजा किया था तो नियोज पूजा में मम्मी ने रखा तो चपाती भी रोटी घी का बना हुआ, तो बेलते नहीं है उसको, ऐसे हाथ से ही बनता है। और लड्डू जो आटे का बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा बेटा, तो मम्मी यहाँ पे पूजा शुरू कर दी है। चलो ले लो। मैं पूछी तो तुम लोग कोई बात में निकालना नहीं है। अच्छा ठीक है, खा लेंगे। अच्छा दूध हाला, दूध पकीटवा फाड़ के एगो लोटकी हम दे लाते, लोटकी अच्छा उबलबो नहीं ना। नहीं यहाँ बन रहा है ना घी, घी लेके आओ। अच्छा थोड़ा सा आगे करना थी। चल दिशु, जय जय जय।
उसको छोड़ दो, वो अपना अकेले में बोल रही है। जरा हमारी बेटी को टीका लगा रहे हैं। चल बेटे, हम तुमको पानी आ गया। जल्दी जल्दी करो यार, दियो ना दिशु के। अगर जा जय 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 नहीं गंदी बात, जय जय करो, जय सबके मन में है, सबको पूरा करना। मेरा मैं दिशु को भी मुझसे चटका के रखेगी। हे गुरुदेव, सब गुरु भाई बहन आ जाओ, महाराज जी आ जाइए, छठी मैया पूरे मर सब आ जाइए, भगवान की तरफ से जल थल नल सब 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 का ले लो सब, सब बढ़िया से छठ करवा लीजिए भगवान गुरुदेव। महाराज जी देखिए कितना सुंदर लगते हैं हमको, छोटा सा हमेशा हम रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा हो गया है और मम्मी थोड़ा प्रसाद चढ़ा के प्रसाद खा चुकी है और फिर अब हम लोग खाएंगे और बाकी जितने भी लोग हैं सब। क्या चाहिए वहाँ से मम्मी खा के देखी थी ना मेरे लोगों ने। हाँ ले गौतम, ये गौतम को दे दो, अब थाली वाला भी खाना है। हाँ इधर पट्टी हो ना। तो अब हम लोग खाएंगे प्रसाद है ना मम्मी। हाँ। न्योच पर के ले लेना। हाँ, आ जाओ दे दो। प्रिया आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ। वो वाला ही पसंद आता है मेरे को, इसके पास पहले नहीं चाहिए।
सभी हम लोग खाने वाले और आप लोग भी नहाए खाए की बात का ये है खरना खरना का पूजा का आप लोग प्रसाद खाइए। अभी ये खरना का प्रसाद है जो मम्मी ने झूठा किया था वही वाला आज खाया जाता है, जो जितने भी घर में बाल बच्चा रहते हैं जितने भी बच्चे लोग हैं सब खाते हैं। तो अभी हम लोग खा लेंगे प्रसाद, उसके बाद में ये न्योज पर का प्रसाद खाएंगे। तो आप लोग भी हम लोग के साथ ये प्रसाद खा लीजिए। नहीं जीजा का हमारा वाला मत देना, बड़ा जेठ सिस्टम क्या है, जो सिस्टम है बड़ा है, बड़ा इनकी मम्मी है तो बड़े ना रहेंगे, छोटा हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली प्रसाद खा के बहुत ही खुश हो गया मन और बहुत नसीब से मिलता है ये छठ का प्रसाद। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और बहुत सारे काम पड़े दोस्तों, जैसे क्लीन वगैरह करना, बाकी जितना भी प्रसाद वगैरह रह गया है ना वो सारा क्लीन वगैरह करके फिर सोएंगे, क्योंकि फिर कल बनेगा ठेकुआ, जो फिर कल शाम का घाट पे जाने का, जो उससे पहले ठेकुआ वगैरह बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी जल्दी काम निपटा के फिर जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। तो चलिए दोस्तों बाय बाय। और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।